हाय बाबू, कैसे हो? जैसा कि आप जानते हैं कि जो 2022 में जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उसके जो भी मैंने इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो पार्ट वन नाम से सेव है। आज मैं आपको जो रेनबो सेकेंड जो बुक पढ़नी है उसमें 10 पोएट्री पढ़ना है और 11 प्रोज पढ़ना है। उसके मैं सारे राइटर्स और पोएट्स का नाम बताने के लिए जा रहा हूँ। आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि इस 20-21 नाम को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। 5 नंबर तो आपको मैच करने के लिए आएगा पोएम और पोएट्स का नाम, और पूरे ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर ऑथर्स या पोएट्स का नाम पूछ ही देगा। तो इस 20-21 को अगर आप याद कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका आने वाला एग्जामिनेशन एकदम क्लियर होगा। और इस सिर्फ नाम से, ये जो 21 नाम है आपके सामने, उस सिर्फ नाम से आप 10 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं जो प्रोज में राइटर्स का नाम देखते हैं। पहला हमारा चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके राइटर हैं महात्मा गांधी। दूसरा चैप्टर था भारत इज माई होम। उसके पोएट्स हैं, उसके ऑथर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद है ए पिंच ऑफ स्नफ, इसके ऑथर हैं मनोहर मालगोनकर। उसके बाद है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसके ऑथर हैं बर्ट्रांड रसेल। उसके बाद है द आर्टिस्ट, इसके ऑथर हैं शिगा नोइया। उसके बाद है अ चाइल्ड इज बॉर्न, इसके ऑथर हैं जर्मिन ग्रेयर। उसके बाद है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको डरोथी लेफ सेयर्स ने लिखा है, डरोथी लेफ सेयर्स। उसके बाद है द अर्थ, इसको एच ई बेट्स ने लिखा है। उसके बाद से है आई हैव अ ड्रीम, इसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। उसके बाद से इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज, इसको पर्ल एस बक ने लिखा है। उसके बाद है अ मैरिज प्रोपोजल, इसको एंटन चेखव ने लिखा है। इस 11 को आप याद कर जाइएगा, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप 5 से 6 नंबर कवर कर लीजिएगा। फिर आते हैं पोएट्री भाग में। पहली पोएम हम लोगों को 12th में पढ़नी थी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके पोएट जॉन डन है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके पोएट वाल्ट व्हिटमैन है। उसके बाद से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके पोएट W.H. ऑर्डन है। उसके बाद से ओड टू अटम कहिए या टू अटम कहिए, इसके पोएट जॉन किट्स हैं। उसके बाद से एन एपिटेफ, इसके पोएट वाल्टर डी ला मेयर हैं। उसके बाद से द सोल्जर, इसके पोएट रॉबर्ट ब्रूक। उसके बाद मैकबीटी द मिस्ट्री कैट, इसको T.S. एलियट ने लिखा। उसके बाद फायर हिम, इसके पोएट हैं केकी एन दारूवाला। उसके बाद है स्नेक, इसके पोएट हैं D.H. लॉरेंस। उसके बाद है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसके पोएटेस हैं कमला दास। आप इस 10 पोएट्री और पोएट्स के नाम को याद कर जाते हैं तो इसमें से 5-6 आ जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ ये सिर्फ 21 नाम, यानी पोएम का नाम और पोएट्स का नाम, और उसके बाद से उधर आपका प्रोज का नाम और उसके ऑथर का नाम आप याद कर लेते हैं, आपको 10 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा वादा है। और अगले वीडियो के लिए बने रहिए। और अब मैं आगे आपको कम्पिटिटिव ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सारी चीज़ मैं बताता चलूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं सब तक पहुँचे, सबको इससे फ़ायदा मिले। जय हिंद, जय भारत।